व्यूअर्स आप देख रहे हैं द पॉलिसी टाइम्स, इंडिया का सिर्फ ऐसा लौता चैनल जो पब्लिक पॉलिसी एडवोकेसी और एक्टिविज्म पे काम करते हैं। और आज हमें एक सुनहरी मौका मिला है, हमारे साथ हैं सलीम इकबाल शेरवानी साहब, जिनकी इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है। एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, सोशल वर्कर हैं और साथ में राजनीति से जुड़े हुए हैं। और इनसे तीन चार मुद्दे पे हम बात करेंगे। सर, 2019 की इलेक्शन सामने है और आप बुदाउन डिस्ट्रिक्ट एरिया से एमपी के तौर पे चुने लिस्टेड कैंडिडेट हैं। 2019 की इलेक्शन के बारे में जब ममता दी ने बोला कि सेविंग द डेमोक्रेसी इज द मोटो 2019 इलेक्शन, वहां अरुण जेटली साहब ने बोला कि ये 2019 का जो इलेक्शन है वो है मोदी वर्सेस कैवस, इलेक्शन का मोटो कांग्रेस का क्या रहेगा? देखिए, अरुण जेटली साहब जो क्योस की बात कर रहे हैं, क्योस तो उन्हीं का पैदा किया हुआ है। पिछले चार साढ़े चार साल में इस सरकार की अगर आप ईमानदारी से, मीडिया पे मत जाइए, ईमानदारी से अगर आप एक रिपोर्ट बनाइए तो आप इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि किसी फ्रंट पे, चाहे वो इकोनॉमिक फ्रंट हो, चाहे वो जॉब क्रिएशन फ्रंट हो, चाहे वो वुमेन एम्पावरमेंट का फ्रंट हो, चाहे वो आतंकवाद से लड़ने का फ्रंट हो, कहीं में हर जगह ये फेल हुए हैं। जितने आतंकवादी हमले और जितने हमारे सिपाही इन 5 सालों में शहीद हुए हैं, उतना हिस्ट्री में कभी नहीं हुए थे 5 साल में। जितनी अनएम्प्लॉयमेंट इस वक्त क्रिएट हो गई है मुल्क में, हिस्ट्री में कभी नहीं हुई थी। जो प्राइसेस का मुद्दा है, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो डीजल हो, चाहे वो गैस हो, जिस सीमा तक पहुंच गया हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था। डॉलर कहां से कहां पहुंच गया, मुझे याद है मोदी साहब का बयान होते थे कि डॉलर को रुपए को इंजेक्शन की ज़रूरत है और क्या चीज़ें हो गई हैं, वो कहां से कहां पहुंच गया है। तो दो चीज़ें हैं इलेक्शन में, एक तो है कि आप कहानियां बनाइए, जुमलेबाजी कीजिए, लोगों के दिलों को झूठ में लपेट लीजिए, उसमें ये माहिर है भारतीय जनता पार्टी। दूसरी तो हकीकत है कि मुल्क में क्या हो रहा है और मुल्क की सच्चाई क्या है। तो कांग्रेस का जहाँ तक सवाल है, कांग्रेस ये इलेक्शन 3-4 मुद्दों पे लड़ेगी। औरतों को एम्पावर करना, जॉब्स क्रिएट करना, और सबसे ज़्यादा जो इस वक्त परेशानी है हमारा किसान है, उसको किस तरह से हम राहत पहुँचा सकते हैं, चाहे कर्ज़ा माफ़ करके या उसके इनपुट्स बढ़ा के। जी, तो ये हमारे सामने साफ साफ मुद्दे हैं, क्योंकि हमें इकोनॉमी को फिर से रिबाउंड करना पड़ेगा। पहली दफ़ा हमारे मुल्क की हिस्ट्री में हर इंस्टीट्यूशन पे हमला है। कभी आपने सुना था जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है कि 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठ के कहेंगे कि डेमोक्रेसी इज़ इन डेंजर, चीफ जस्टिस की पोजिशन हैज़ बीन कॉम्प्रोमाइज्ड विथ। पहली दफ़ा हमारी मुल्क की हिस्ट्री में RBI का गवर्नर रिज़ाइन करते हैं। पहली दफ़ा सुबह 2 बजे जाके CBI के डायरेक्टर का ऑर्डर होता है कि आप हटा दिए गए हैं। जी, मीडिया के लिए तो मुझे कुछ कहना नहीं है कि टोटली कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो ये चीज़ें जो इस वक्त हो रही हैं मुल्क के लिए, वो डेमोक्रेसी के लिए, मुल्क के लिए अच्छी नहीं है। तो एक अब आम आदमी के ऊपर बहुत ज़्यादा इस मुद्दे पर असर नहीं हो रहा है, ये देश की, ये इस डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी फेलियर ऐसा फील होता है कि जो पैरामीटर आपने रेज किया, आम आदमी उसके बेसिस में वोट करना नहीं चाहते हैं। नहीं, ये आप मानते हैं? हाँ, ये आप बहुत सही कह रहे हैं, क्योंकि हम जब वोट डालने, हमारे यहाँ 2 चीज़ें होती हैं वोट डालने में। एक चीज़ तो ये होती है कि हम कभी भी वोट पॉजिटिव नहीं डालते हैं, हम नेगेटिव वोटिंग करते हैं। इसको हटाना है मुलायम सिंह जी को हटाना है, मायावती जी को ले आओ, मायावती जी को हटाना है मुलायम सिंह जी को ले आओ जी। तो कभी किसी के लिए ये नहीं होता है कि हम एक पॉजिटिव वे में वोट डालें जी। 2014 का जो चुनाव हुआ था उसमें बहुत बहुत ज़्यादा उम्मीदें लोगों को मोदी साहब से थीं। 10 साल कांग्रेस की सरकार रही थी, उससे पहले लोग एक बदलाव चाहते थे। मोदी साहब ने डेवलपमेंट की बात की, सबको साथ ले चलने की बात की, हिंदुस्तान की इकोनॉमी के ऊपर बात की, हिंदुस्तान की इज्जत बनाने की बात की, सबको साथ ले चलने की बात की, तो लोगों ने उनको एक मौका दिया। मगर इस वक्त जो आप कहते हैं, हम क्या हो जाता है कि अब देखिए, ये आम आदमी क्यों ये मुद्दे को क्यों प्रायोरिटी दे रहे हैं, इसलिए
नहीं देता है कि हम इमोशनल हम असली मुद्दों से हटा के उसको इमोशनल मुद्दों में ले लेते हैं, चाहे वो राम मंदिर बनाने का मुद्दा हो जी, चाहे वो ये पुलवामा अटैक का मुद्दा हो। कभी हमारे मुल्क में हम इलेक्शन नहीं लड़ते हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ये इस दफ़ा होने लगा है 2014 से हर चीज़, यानी कि कांग्रेस जीतेगी तो पाकिस्तान ताली बजाएगा, ये क्या चीज़ है। मेरा एक क्रॉस सवाल ये है सर, दैट बीजेपी हैज ऑलवेज बीन सक्सेसफुल, कामयाब रहे हैं टू सेट अ नैरेटिव, उन्होंने एक नैरेटिव बिल्ड करने में हमेशा कामयाब है। क्योंकि वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं डेमोक्रेसी, इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं, कांग्रेस क्यों नहीं कर रहा। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना कि नैरेटिव झूठ पे बनाना बहुत आसान होता है जी, और बीजेपी ने जो सबसे बड़ा नैरेटिव इस वक्त बना दिया है वो ये है कि जिस वक्त आप उनकी किसी हरकत पे सवाल उठाएं तो आप एंटी नेशनल हैं। वो आप यानी कि अभी एक साहब ने मैं कहीं पढ़ रहा था बयान दिया कि पिछले 50 साल में जब से भी कोई भी प्रधानमंत्री ने जीरो प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर किसी प्रधानमंत्री ने की है तो ये 5 साल में मोदी साहब हैं। भाई आप क्यों नहीं आते मीडिया के सामने? हाँ, अब आते ही नहीं। तो ये जो आप नैरेटिव की बात कर रहे हैं, कांग्रेस इस वक्त, क्योंकि कांग्रेस असली मुद्दों पर चली है, जैसे मैं जितनी बातें मैंने आपसे कही, हमारे मुल्क के सामने इश्यूज हैं जो आगे चल के और बड़े बनेंगे अगर इकोनॉमिक फेलियर होगा। देखिए, मैं हिंदुस्तान का फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुका हूँ, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और मैंने देखा दुनिया में कहीं पॉलिटिकल डिप्लोमेसी नहीं है, जहाँ इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है। इकोनॉमिकली अगर आप सफ़र करेंगे तो कहीं ना कहीं जाके आपके आदमी को अफेक्ट करेगा। आज किसान परेशान है, आज स्टूडेंट्स परेशान है, आज जॉब्स नहीं है मुल्क में, तो ये चीज़ें लोगों को सोचनी पड़ेगी, और नहीं सोचेंगे तो भाई जो नतीजा सफर करना होगा, सफर तो नतीजा होगा। अब आते हैं कांग्रेस की लीडरशिप पे, राहुल गांधी पिछले 4 साल में क्या रहा, मीडिया कैसे उनके पीछे रहे, हम पूरी दुनिया जानते हैं, पूरे देश जानता है, क्या राहुल गांधी 2019 के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। देखिए, सवाल ये नहीं है कि आज प्रधानमंत्री राहुल गांधी साहब क्यों नहीं बन सकते, मैं ये पूछ रहा हूँ, और मेरे ख्याल में तो वो मोदी साहब से कहीं बेहतर प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि राहुल गांधी में ये नहीं है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, हर चीज़ मैं कंट्रोल करूँगा। अगर मैं एक कामयाब कंपनी चलाता हूँ एज MD, उसकी कामयाबी इस पर होती है कि मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं उनमें कितनी काबिलियत है। अगर राहुल गांधी साहब एक, जैसे मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, रघुराम राजन साहब को फाइनेंस मिनिस्टर बना देते हैं, किसी और प्रोफेशनल को इंडस्ट्रीज का बना देते हैं, किसी प्रोफेशनल को लेके डिफेंस में ले लेते हैं, और अच्छे अच्छे पोर्टफोलियोज अच्छे लोगों को देते हैं जो उनको राय दे सकते हैं, मशवरा दे सकते हैं, तो ये मुल्क कहीं बेहतर चलेगा। मैंने आप कहना चाह रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर लीडरशिप होगा, बिल्कुल ज़्यादा बेहतर। आप सारा अपने अंदर हमेशा लीडरशिप जो कलेक्टिव होती है वो कहीं बेहतर होती है इंडिविजुअल्स। अब मैं आना चाह रहा हूँ हमारा प्रियंका गांधी के, अभी UP के जो जिम्मेदारी उनको दिया गया, आपको लगता है प्रियंका गांधी आने के बाद वहाँ कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है? देखिए, कितना वोटों में तब्दील होगा मैं कोई जोशी नहीं हूँ कि मैं बता दूँ जी, मगर प्रियंका जी के आने की वजह से एक एक्साइटमेंट आ गया है कांग्रेस काडर में, एनर्जी आ गई है। सबसे ज़्यादा उनके आने से तकलीफ बीजेपी को हो गई है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वही जिक्र कर रही हैं। प्रियंका जी से जो भी मेरी मुलाकात हुई है, मैंने देखा है कि वो जल्द फैसले लेती हैं। लास्ट सवाल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि SP-BSP अलायंस जो UP में है उसके साथ अभी भी कोई अलायंस में जोड़ने का नहीं, कोई अपॉर्चुनिटी है नहीं? देखिए, SP-BSP का अलायंस, मैं पर्सनली मैं क्या चाहता था कि कांग्रेस उसका हिस्सा बने, क्योंकि मेरी अपनी सोच ये थी कि कांग्रेस BSP और SP अगर साथ मिलकर UP का चुनाव लड़ेगी तो BJP 10 से कम हो जाएगी सीटें। इसको चाहने के लिए तीनों पार्टी को मानना है, अगर एक पार्टी भी इससे अग्रीबल नहीं है, डिसएग्री करती है तो ये नहीं हो सकता। कांग्रेस भी इच्छुक थी, समाजवादी पार्टी भी चाहती थी, मगर कभी कभी क्या होता है कि जो गठबंधन होता है वो ज़रूरी नहीं कि नीचे का काडर उस गठबंधन को मांगे। अब कितने मेरे पास जाटव लोग आए जिन्होंने कहा कि साहब हमने जिंदगी भर हाथी का बटन दबाया, हम साइकिल को कैसे दबा देंगे। अच्छा, बहुत एक्सपर्ट का ये मानना है कि ये BJP को सबसे ज़्यादा फायदा पहुंचा सकती है, अलायंस ना होना, क्या ऐसा पॉसिबल है? देखिए, BJP जो बिल्कुल गिर जाती उसको
कांग्रेस को जब शामिल नहीं किया तो कुछ तो ताकत मिली गई है, क्योंकि पिछले इलेक्शन में जो देखा गया मुस्लिम वोट सबसे बड़े बटे और मुस्लिम वोट को इकट्ठा यूनाइटेड रहना बहुत जरूरी है। मुसलमान एक तरफा चले तो बहुत बड़ी ताकत है, तो बहुत बड़ी ताकत है। अब मैं आना चाहूँ सर पिछले लास्ट टॉपिक पे, वो है यूपी। योगी आदित्यनाथ को एक मैसिव उसके तरह वोट दिया गया, उसको यूपी भारत का बहुत बड़ा एक स्टेट है। आपको लगता है योगी साहब आने के बाद यूपी में कुछ बदलाव आया है? कुछ नहीं। देखिए मैं तो समझता हूँ कि यूपी का डिटेरियरेशन हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर में भी डिटेरियरेशन हुआ है, और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि एक पर्सनल रिलेशनशिप। इस मुल्क में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि भाई भाई को शक की नज़र से देखे, और इस वक्त इंटॉलरेंस नफरत मुल्क में बहुत ज़्यादा है। हम कुछ भी हों, हम मुसलमान हों, हम हिंदू हों, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, हम हिंदुस्तानी हिंदू हैं। मुल्क की मोहब्बत हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। हमारे मज़हब में भी कहा जाता है कि मुल्क से वफा करो, समझे, जिस भी मुल्क में तुम रहते हो। तो इनके आने से ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिससे कि ये दूरी बढ़ी है, और योगी जी को एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस तो कुछ है नहीं, वो भी चलाने की कोशिश कर रहे हैं एज अ वन मैन शो। इस तरह से काम चलता नहीं है। वन मैन शो हमारे देश की डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाने में कामयाब नहीं होगी। आगे चलेगी भी नहीं। सर लास्ट मैसेज आपके, जिस कॉन्स्टिट्यूएंट से आप लड़ेंगे, कॉन्टेस्ट करेंगे, उनके पब्लिक के लिए कुछ खास मैसेज? देखिए मैं, और खास करके इंडियन पब्लिक को, मैं ऐसा है कि मैं पैदा इलाहाबाद में हुआ, मगर मेरी सियासी पैदाइश बदायूं में भी, मैं सबसे पहला चुनाव वहाँ 1984 में लड़ा, जीता, 5 दफ़ा वहाँ से सांसद बन चुका हूँ, और जो भी मुझे सियासी कामयाबी मिली है उसमें बदायूं के लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। मैं 2 दफ़ा मंत्री बना, कई कई दफ़ा मैंने अपने मुल्क की नुमाइंदगी मुल्क से बाहर जाके की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी मैं प्रेसिडेंट चुना गया, तो इसमें बदायूं वालों ने मुझे बहुत साथ दिया है। मेरी सबसे बड़ी कामयाबी जो बदायूं के साथ है वो ये है कि मैंने जितना भी किया वहाँ पे, जो भी किया, एक ईमानदारी के दायरे में रह के और सबको साथ लेके मैं चला हूँ। मैंने कभी किसी के मज़हब पे, नाम पे, बरादरी के नाम पे लोगों में फ़र्क नहीं किया, और ये मेरी पहचान है बदायूं में। जहाँ तक लोगों को मैसेज देने का सवाल है, मैं समझता हूँ ये इलेक्शन जो है ये एक बहुत अहम इलेक्शन है, क्योंकि ये हिंदुस्तान को बचाने का इलेक्शन है, और हम सबको अपनी नाइतफाकियाँ दूर करके पहले अपने मुल्क को के लिए सोचना चाहिए। आप देख रहे थे द पॉलिसी टाइम्स। जैसे कि तो ये जो इलेक्शन है शेरवानी साहब के हिसाब से ये देश को बचाने का इलेक्शन है, और आप जब वोट देने जाएंगे तो उन बेसिक और कॉमन मुद्दे के बेस में आप अपने एमपी को, लोकल एमपी को चुने, हमेशा नेशनल लीडर को देख के ऐसा ना करें, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। तो आप देख रहे थे द पॉलिसी टाइम्स।